माय इंग्लिश टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे माय सोल फैमिली माय व्यूअर्स माय सब्सक्राइबर्स गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है आज की एनर्जी रात की आपके पार्टनर की। जो आज रात आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स और क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, तो चलिए ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर। सारे साइन के लोग देख सकते हो, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। चलिए देखती हूँ आज रात आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दिल में तेरा प्यार को जैसे आज रात क्या है उनके विचार, क्या है फीलिंग्स आपके लिए, जस्ट प्लीज गाइड करें। गिल्ट, किस बात का गिल्ट है? थंडर बोल्ड, इनोसेंस क्यों आया है? मिक्स एनर्जी है, पॉलिटिक्स वीवर जी, आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स चल रही है। ताही काट लेती हूँ, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आई है, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है। थंडर बोल्ट की एनर्जी है, गिल्ट की भी एनर्जी है, इनोसेंस की है। देखिए ये बंदा आपसे प्यार करता है, नो डाउट, फिर मैं और कार्ड क्लियर करूंगी। लेकिन देखिए डियर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उन्हें गिल्ट है, नो डाउट, लेकिन उनको पता है इस रिश्ते पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, नहीं, किसी बात को लेकर इनके अंदर गिल्ट है। और थंडर बोल्ट, मैं आगे भी कार्ड देखूंगी, किसी प्रकार का टावर मोमेंट इनके लाइफ में आया है डियर। लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और अगर आपको ये लगता है, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्होंने पॉलिटिक्स की है, मास्क पहना है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं इस गलत फहमी में तुम मत रहना, वो आपसे प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोलिए कि डिसीजन ये सोच समझ कर लेते हैं, क्लियरिटी नहीं देते हैं, खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा आपके तरफ स्टेप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है डियर कि शायद अगर उनसे गलती हो भी गई है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, तो उनको ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई है, थोड़ा उनमें नादानी है, नो डाउट। वो खुद अपने अंदर ही सोच रहे हैं कि हाँ, मुझ में एक नादानी है, जो मैं कुछ गलतियां कर बैठा हूं या गलतियां कर बैठी हूं। तो इनके लाइफ में किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल तो आया है डियर, थंडर बोल्ट की एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कुछ उनसे गलतियां हुई है। अगर इन्होंने आपके साथ धोखा चीट नहीं किया है तो फिर ये जिंदगी ऐसा क्यों जी रहे हैं, क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों इतना अपने आप में इनमेच्योर एनर्जी में है, क्यों ये आपके तरफ स्टेप नहीं बढ़ा रहे, क्यों बढ़ते कदम रुक जाते हैं। तो कुछ व्यूअर्स, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हाँ हार्ड वर्क करना चाहता हूं, थोड़ा वक्त लगेगा, ये साझे इनके विचार ऐसे हैं कि समय आने पे ही कुछ करूंगा। अगर तुमको लग रहा है, ये आपसे कहना चाहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, तो मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ कि आपके पार्टनर की जो इनमेच्योर वाली एनर्जी, ये इनको ले डूबा है। कहने का मतलब लाइफ में परेशानियां चल रही है, लेकिन अब इनसे डियर, अगर आप इनको कभी कुछ बोले हो, किसी भी रीजन से लेकर किसी तरह से भी बातचीत की हो, तो ये ना कुछ ऐसी बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो चीज इनको कुरेद रहा है, उनको दर्द दे रहा है। और कुछ देखिए,
उस रिग्रेट की एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके तरफ स्टेप भी बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस भी दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। चाहे वो कोई भी हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कोई भी हो, जहां पॉलिटिक्स चल रही है, कोई है जो मुखौटा पहनकर रखा हुआ है, जो आप दोनों को बीच में होता है ना डियर, गलत फहमियां क्रिएट करना, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करना, फाइटिंग करना, बहुत तरह की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई है जो चाहता नहीं है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। और इस बात का उनको गिल्ट भी लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया, और शायद ये अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए प्यार की फीलिंग्स है, ठीक है, लेकिन रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात है डियर, उन्हें डाउट ना करें कि उन्होंने आपके साथ धोखा चीट किया। वो आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, मैंने पॉलिटिक्स किया है, मैं मजबूर हूं, मैं नादान हूं, हाँ मुझसे गलती हुई है, तो आज मैं बहुत रिग्रेट की एनर्जी में हूं, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स चल रही है डियर, और उस वजह से टावर मूवमेंट आया जहां ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां से भी देख लेती हूं। देखिए थोड़ा ऑब्स्टिकल तो आ रहे हैं बार बार, जब जब ये आपके तरफ बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं तब तब पॉलिटिक्स चलती है, टावर मूवमेंट आता है, ठीक है। और ये आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ अच्छाइयां आपकी ना इनको बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी में आ जाती है, क्योंकि जो आप देते हो ना वो इनको नहीं मिल रहा, और खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर रहा, या गुस्सा हो। देखिए टावर थंडर बोल्ट के नीचे कंट्रोल आया, तो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको पता है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन उनको पता है कि कोई है रिश्ते में जो पॉलिटिक्स खेल रहा है। कभी कभी देखिए डियर, इंसान कभी कभी आप होता है ना कि कभी कभी आप तो ऐसा नहीं कर रहे हो, शायद आपकी चीज अगर आप इनको धोखा दोगे तो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो गलत थोड़ा सा इनके अंदर थोड़ा सा ऐसा मैं देख पा रही हूँ, सोच है, माइंड डिस्टर्ब है, कंट्रोल कर रहे हैं, गिल्ट में भी है, रिग्रेट है, पछतावा बहुत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है डियर, ठीक है, स्ट्रगल दिख रहा है। चलिए देखती हूँ, गिल्ट देखिए, इनकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है करियर से रिलेटेड भी हो, ठीक है, करियर से रिलेटेड भी है। देखिए कंफ्यूज्ड है, जो अब सोच की एनर्जी, देखिए काफी गहरी सोच है, स्ट्रेस ले रहे हैं, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, प्रेशर बर्डन महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। देखिए डियर, कहा जाए यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए है तो ये बहुत दुखी डियर, देखिए दुखी हैं, लेकिन यहां से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ ट्रेवल करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए इस वक्त किसी प्रकार अगर इन्होंने कुछ मन बना लिया जहां आपके लिए आपके तरफ आना है, बातचीत करना है, तो कोई इनको ट्रिगर भी करता है, चाहे वो घर में कोई फैमिली मेंबर हो, थर्ड पार्टी हो, जो भी हो डियर, जहां इनके ऊपर बर्डन और प्रेशर बढ़ने लगता है, जहां ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन डियर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद इनकी जो विश है ना डियर, वो आपके साथ है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, इनकी विश है जो आपके साथ है, कुछ करियर से रिलेटेड भी है, लेकिन वो कंफ्यूज है, ठीक है। इनकी विश है आपके साथ, जहां ये कंफ्यूज्ड है, लेकिन क्या करूं, कोई काम नहीं बना, बार बार एक्शन लेना चाहते हैं, बर्डन प्रेशर आ जाता है, या फिर फाइटिंग झगड़े या टावर मूवमेंट आ जाता है। लेकिन फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत गहरी सोच में है आपके पार्टनर, ये स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं आजकल, बात नहीं बन रही, बार बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए करियर को लेकर भी, आपको लेकर भी एक्शन चाह रहे हैं, एक्शन इनको लेना है, जैसे ही एक्शन लेना चाह रहे हैं फिर प्रॉब्लम्स आ जा रही है, ठीक है। देखिए डियर यहाँ पे है कप्स पेंटिकल्स सोर्स वांट्स, यहाँ पे सारे साइन है, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन भी है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, और यहाँ पे एयर साइन है। तो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन स्ट्रांग है बाबू, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर कंफ्यूज है, लेकिन आप देख रहे हो ब्लू 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 ब्लू, यानी कि आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रांग है ना।
हो सकता है कि जो ये सोच रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए, जो भी इनकी प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है, वो नहीं हो पा रहे, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको आपसे मिलना है, वो उनकी विश है, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज है, लेकिन इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए वाटर बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इमोशंस बहुत बड़ा है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज ये भी है कि आप उन्हें धोखा मत देना, ठीक है, ये इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन इनके साथ जो धोखे हो रहे हैं, अगर आप समझो कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये आपसे कहना चाहते, मेरी विश तुम्हारे साथ है, ये कंफ्यूज है, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना, ये आपसे कहना चाहते हैं, कभी कभी निगेटिव चल रहे हैं इनके दिमाग में बाबू, ठीक है, इनके दिमाग में निगेटिविटी चल रही है, आपका विश्वास आपका ग्रोथ इनको कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आप लोग डगमगाना मत, आप देखो कुछ डिसीजन भी लेना सीखो आप लोग, ठीक है, लाइफ में कुछ डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइफ को उलझाना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं करना है, लाइफ में कुछ डिसीजन लेना है, गॉड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, आप सामने देखो गॉड है, तो आप उनसे जुड़ो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। देखिए ये पर्सन की एनर्जी कैसी है, विश आप उनकी विश हो, चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन जोड़ना, लेकिन वो काम नहीं हो रहा पा रहा है, ये कह रहे हैं अगर कहीं पॉलिटिक्स चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों में डाउट हो उसको डाउट को क्लियर कीजिए, बात कीजिए, अगर आप कभी इंट्यूशन का भी सुनो, ठीक है, कभी कभी आप अपने इंट्यूशन का भी सुनो, कभी कभी इंट्यूशन काम नहीं करता तो अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं और वहां पे पॉलिटिक्स चलना शुरू हो जाता है जो कि ब्लॉकेज क्रिएट करता है, आप दोनों को अलग करता है। कभी कभी कंफ्यूजन को दूर कीजिए, बर्डन को दूर कीजिए, अपने ईगो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, रिश्ते को बैलेंस कीजिए, नहीं तो टू ऑफ सोर्स की एनर्जी अपना काम आप दोनों का काम बिगाड़ देती है और पॉलिटिक्स चलता है, इतना याद रखिए। एक्शन चाहते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, जब जब भी आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं तब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं व्यूअर, ठीक है, तो आप अपनी पावर में रहे, स्ट्रेंथ में है, नहीं तो देखिए ये बात करना चाह रहे लेकिन आप उनके साथ धोखा मत करना, ऐसा वो कहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके विश हो, भले ही एक्सप्रेस करें या ना करें, ठीक है, वो एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूज दो एनर्जी है डियर, ठीक है। और अगर आपको लगता है, देखिए डियर वो बातचीत आप लोग में कुछ वर्ष आप चीज में बातचीत क्यों बंद हुई है, कुछ वर्ष आपको लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है, आपके पार्टनर जो फ्लर्टिंग करते हैं, बहुत दोस्तों के साथ मस्ती फन मजाक करते हैं, कुछ वर्ष आप ऐसा सोचते हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर इनकी दोस्त भी बनी है, टू ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी कोई है भी, तो वो खुश नहीं है, गलतियों को मान रहे हैं, इसलिए तो वो गिल्ट में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जो गलती कर रहा हूं या कर रही हूं तुम मत करना, ठीक है। तो ये आपके तरफ ये बातचीत करना चाहते हैं, प्रेशर में बर्डन में है, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत देर आपके पार्टनर आपकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं। देखिए गलतियां को एकदम से मत खींचना, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन मत करना, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज, कभी कभी खुद पर काम, कभी कभी खुद पर सेल्फ लव, ये बहुत काम करता है बाबू, ठीक है, पॉजिटिव रहो, ठीक है, नहीं तो आप पॉलिटिक्स की एनर्जी में देख रहे हो, ये डाउट की एनर्जी हर ब्लॉकेज हर तीसरा आदमी तोड़ने का कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन उनकी विश पूरी नहीं हो रही आपके साथ, ये आपसे कहना चाहते हैं। और करियर कुछ ऑफ इनका गोल्स भी है डियर, ठीक है, बर्डन प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, इनको हेल्थ इश्यू भी हो जाती है, हेडेक भी हो जाता है, बैक पेन भी होता है, स्ट्रगल करता है ये बंदा, ठीक है, लेकिन ये हार मानने वाला बंदा नहीं, आपसे ये कहना चाहता है और ये बोलना भी, जरा मैं हार कभी नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें हर पल चाहूंगा, ठीक है, मैं हार कभी नहीं मानूंगा, मैं हर पल तुम्हें चाहूंगा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, इसलिए उन पर डाउट मत कीजिए, प्यार आपसे हुआ है, हाँ ये बंदा अगर इस नेचर का है तो खुद को बदल रहा है और आपको ये फील कर रहा है, ठीक है, इसलिए बी पॉजिटिव बी स्ट्रांग, ठीक है, आप खुद पर भी काम करो, ठीक है, खुद पर भी काम करो, अपने इंट्यूशन का भी आप लोग सुनो, तब आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, थोड़ा कंफ्यूज है, दुखी उदास है, लेकिन इनकी विश है आपके साथ बात करना, मुलाकात करना, लेकिन इनको गलत मत कहना। हाँ पॉलिटिक्स चलिए, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा है जो आप दोनों को तोड़ना चाहता है, गेम खेलना, गॉसिप करना, आपके खिलाफ साजिश रचना, ये सब चल रहा है, आपके पार्टनर बखूबी जा रहे हैं, लेकिन ये रिग्रेट की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये हार नहीं मानेंगे क्योंकि आप उनकी विश हो आपके साथ आगे बढ़ना, ये आपसे कहना चाहते हैं।
वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट में लिखिएगा, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से आप इस एनर्जी से जुड़ जाते हो, अपने पार्टनर से जुड़ जाते हो, यूनिवर्स एंजल्स गॉड से जुड़ जाते हो, और ग्रैटिट्यूड भी हो जाता है। जितना आप ग्रैटिट्यूड देते हो उतनी जल्दी आपके लाइफ में सफलता मिलती है। तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे डियर तो जरूर कमेंट में लिखिए कितना आपसे रेजोनेट कर रहा, वो भी आप जरूर लिखिए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।